हाय गुनीत, कितना गुस्सा कर रही, लड़ रही है। ये क्या लगाया है मुंह पे? कैसा रहा कंपटीशन? आज गुनीत चलाई गाड़ी, ले लिया है क्रिकेट का हेलमेट। ये आ गया गुनीत का न्यूट्रेला। कैसे जा रहे हैं हम बैंक्वेट में, पता है हमें? गाइस ये देखो, हमने ये विकेट्स बना दिए हैं। तेन नक्के नानी है उनका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है दो दो कंपटीशन का दिन, इसलिए मैं उठी हूँ जल्दी और जल्दी से गुनीत को तैयार कर रही हूँ। आज गुनीत का है कंपटीशन और मेरी है गिद्दे की परफॉर्मेंस। तो की हालचाल सारे नू, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल हरप्रीत एसडीसी। और ये देखो हमारी तैयारी, ये देखो ये देखो ये देखो, अभी गुनीत आ रही है, गुनीत उठ चुकी है, गुनीत यहाँ के आ रही है। गुनीत अपनी ड्रेस पहनेगी, उसका स्कूल में आज कंपटीशन है, उसका मैं मेकअप करूँगी, फिर उसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद अपना मेकअप करूँगी, अपना हेयर डू कराने पार्लर जाऊँगी और परफॉर्मेंस दूँगी और गुनीत को लेके आएंगे हरप्रीत। तो आज बहुत बिजी डे है, तो आप लोग साथ में चलो। ये आ गई है गुनीत। गुनीत ये देखो प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग। और गुनीत गुड मॉर्निंग कर दो। ओ गुनीत को भी नींद आ रही है और मैं उसका मेकअप करने लगी हूँ। ये है उसका अटायर, अभी सलवार पहनेगी वो, इसके साथ सलवार है ये, क्या है आई डोंट नो, बहुत ही गंदा। गंदा नहीं है बेटा, वो थीम में अच्छा लगता है। ऐसे आपको पर्सनली गंदा लग रहा होगा, जब सब बच्चे पहनेंगे तो गंदा नहीं, अच्छा लगेगा। क्या गाना क्या है आपका, थीम क्या है? रानी लक्ष्मी बाई के ऊपर है। ओके, रानी लक्ष्मी बाई के ऊपर है, ठीक है। चलो आज सारा, ये है मेरा मेकअप और ये मेरा सारा हाइलाइटर, इसमें टूट के बिखर गया। ये है मेरा मैक का, लगाती हूँ मैं फाउंडेशन और इन्होंने मेरा NC20, तो वो अच्छा नहीं। ये हाइलाइटर लगा हुआ है इस पर सारा, लगाऊ? चलो ये पहले क्रीम और ये आज उसमें मिक्स कर लेना। ये है मैक की स्ट्रॉप क्रीम, ये मैं थोड़ी सी यूज़ करती हूँ, इससे शाइन आ जाती है, मतलब इम्पॉर्टेंट डेज वाले दिन। ये ना बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना, तो अब खुद करी जा रही है, मुझे करने नहीं दे रही, लगी हुई है और सारा ब्रश में लग रहा है, स्पॉन्ज से कर ले। और यहाँ पे है पूरियाँ तल रही है जुलियानी गुनीत के लिए, आलू पूरी लेके जा रही है वो स्कूल, आलू पूरी और बिस्किट्स वगैरह ले जाएगी ताकि रिफ्रेशमेंट वहाँ पे मिलेगी, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें साथ में देख के भेजना है बच्चे। गुनीत को लाइनर लग गया और गुनीत लाइनर सूखने का वेट कर रही है, मीन वाइल उसका मिल्क आ गया है और आज गुनीत लेके जा रही है अपना हैमस्टर्स का बैग, क्योंकि उसने खाली लंच बॉक्स और बॉटल्स लेके जानी है। ये गुनीत मैडम हो गई है तैयार, अपनी फाइनल लुक दिखा दो भाई। ओ वैसे अच्छे लग रहे हो, मुंह सही बनाओ अपना। ए इधर देखा, अच्छी तो लग रही है बेटा, मस्कारा लगा ले। हाय गुनीत, बाय। वो लेट हो गई है, वो थोड़ा जल्दी भाग रही है। गुड मॉर्निंग, मैं ना सो गई थी, अब मैंने नहा के सूट चेंज कर लिया है और अब हेयर स्टाइल बनना शुरू हो गया, पूरी तैयार हो गई मेकअप के साथ आपको मिलेगी। ये देखो चांदनी हो गई है तैयार, हमने सेम सेम सूट सिलवाए हैं और मेरा हेयर डू अभी चल रहा है, वो अभी जल्दी मिलती हूँ। चांदनी को शर्म आ रही है, हम साहब को फोन करके बोलने वाले हैं लेके जा लेके जा। मेरा पति तो सो रहा है इस टाइम, मेरा जागा हुआ लेके जाएगा। हाँ जी, वाह क्या बात है, सही लग रही है ना? लग रही है। ये देखो चांदनी लाई थी मैंने, लगा लिया। परफॉर्मेंस भी अच्छी करना। हाँ परफॉर्मेंस करेंगे अच्छी, ठीक है। अभी तो मेरे को घबराहट हो रही है बहुत तेज। गुनीत गई। हाँ गुनीत का भी। गुनीत को कितने बजे लेना है? इतनी तैयार हो के कितने बजे लेना है उसको? अभी बताती हूँ बेटा। हील वाली बनू। मम्मा कैसी लग रही है आज? मम्मा अच्छी लग रही है, मुझे सोना बाबू, मम्मा अच्छी लग रही है। हैं बॉडू, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, कितना गुस्सा कर रही, लड़ रही है। नहीं तो मैं मना करके गई थी ना, मैंने सब कुछ रात को निकाल के रखा, समेट दिया। गुनीत को बता दियो कब लेके आना है, ठीक है? मुझे पता है ना तेरा, गाइस ये हमेशा ऐसे ही करती है,
खुद रखे ना चीजें दूसरों को डांटती रहती है। मैं बड़ी हूँ ना, ये देखो खुद इसकी पर्स में से निकला बदतमीज। मैंने समेट के रखा था ना, इसका मतलब ये बस ये बाहर था। हाँ हाँ ठीक है सॉरी, मैं फिर अपनी गलती मानती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं माफी। हम तैयार होकर निकल चुके हैं, जुलैनी भी आज हमारे साथ जा रही है और ये देखो हमारी और गाड़ी जल्दी चलानी है इसलिए आर्श चला रही है। मैं थक गई हूँ, मैं बाद में चल जा रही हूँ। चांदनी है ये, मतलब हर्ष और चांदनी एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं उसको चांदनी बोलती हूँ पर सबके हर्ष हर्ष सुन सुन के ना मेरे मुंह से निकल जाता है। हमें 1.5 घंटा हो चुका है निकले हुए घर से और अभी तक भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे गाड़ी कहीं खड़ी करके पैदल निकल जाएंगे ऐसे सजे धजे। देखो देखते हैं क्या क्या कराता है टाइम। ने तो यही डांस कर लिए है अंदर नहीं होने वाला। हाँ हाँ अभी सतेंद्र से बात हुई है, वो जाम में फंसी हुई है और मैं गुनीत को स्कूल से लेने के लिए निकल चुका हूँ, स्कूल लेने जा रहा हूँ गुनीत को। और देखो जरा मुझे भी जाम मिल गया, सतेंद्र को भी जाम मिल गया, उसने जहाँ पहुँचना है फंक्शन पे वहाँ नहीं पहुँच पा रही और मैं अपने गुनीत के स्कूल नहीं पहुँच पा रहा। गुनीत ने बोला पापा 2:30 बजे तक पहुँच जाना और 2:07 ऑलरेडी हो गए हैं, तो अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं। आ गए, ये क्या लगाया है मुँह पे यार, इतनी सारी लिपस्टिक ऐसे कौन लगाता है स्कूल में हैं? कॉम्पिटिशन था। चलो फिर आओ इधर से, चलो इधर से। कैसा रहा कंपटीशन? बहुत ही गंदा, दोनों यही बोल रहे हैं। देखो वो देखो भागे, गुनीत ध्यान से रोड है। मेरे को इन्होंने लेट कर दिया ऑफिस जाके, मेरे को अपने शो की तैयारी करनी है और इन्होंने लेट कर दिया और कह रही है 1/2 घंटे से हम आए हुए हैं। जब तुम 1/2 घंटे से आए हुए थे मुझे बताया क्यों नहीं गुनीत फोन करके? कपड़े तो चेंज किए नहीं आपने? अच्छा हाँ कुछ और पहना था। क्या कंपटीशन था ये तो बताओ हैं? गुनीत वहाँ कहाँ जा रहे हो, आप चला रहे हो गाड़ी हैं? आज गुनीत चलाएगी गाड़ी, आज गुनीत चलाएगी ठीक है। आ रहा हूँ, ऑन करने के लिए बुला रही है, ये नहीं बता रही कि आज क्या कंपटीशन क्या था, अभी से पूछते हैं। क्या हो गया? ये क्यों ले गए? मैं आपका ले आज, मैंने कहा रख लेता हूँ एक गाड़ी में, काम आता है, जिम जाता हूँ ना। ऑन कर रहा हूँ मैं। अच्छा आपने इतना मेकअप क्यों थोप रखा है मुंह पे हैं? बच्चे इतना मेकअप लगाते हैं? और कंपटीशन कौन सा था ये बताओ, कौन जीता? चीटिंग किया स्कूल वालों ने। क्यों, क्या चीटिंग की है? अरे वो पास ऑन करी जा रहे थे अपने स्कूल को हैं। ये रेड क्यों आ रहा है, स्पोर्ट्स मोड पे क्यों है? अच्छा मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ क्या कॉम्पिटिशन था ये तो बता दो। डांस का था। डांस किया आपने? हाँ। वीडियो बनाई है मैम के सिमरन मैम से पूछ ले, सिमरन मैम के पास है। तू बड़ा हसरा यार चले। तो गुनीत के फ्रेंड्स उतर गए हैं, अब हम जा रहे हैं क्रिकेट वाला हेलमेट लेने। मैं सीधा घर जाऊंगा, यहीं पे रास्ते में ही है। क्रिकेट का हेलमेट लेंगे क्योंकि मैंने एक प्रॉप बनाना है, एक शो करना है हमने क्रिकेट के ऊपर, उस पे हमने लाइट्स वगैरह लगा के और उस पे शो करना है क्रिकेट के ऊपर। पता नहीं क्या ही बन के आ गई है ये बहुत सी। क्या है, मैं भी वहाँ पे जाके मुंह धोऊंगी अपना। मिल रहा है ये हेलमेट 1,000 रुपए का। चलो जी ले लिया है क्रिकेट का हेलमेट, अब गुनीत के लिए लेना है वॉफल। वो सामने गुनीत बैठी है गाड़ी में, ए ए ए ए गोरी, वो गुनीत बैठी है गाड़ी में। तो गुनीत खाती है न्यूटेला विदाउट आइसक्रीम है। गाड़ी में लेके जाना है, दे दो कोई नहीं, ट्राई कर लेते। तो ये वॉफल क्रिस्प्स चिप्स है, ये भी ले लिए गुनीत के लिए, खाएगी, मैं भी ट्राई करूँगा। गुनीत खोलो, सो गए हो? चॉकलेट चॉकलेट खाते रहते हर टाइम। गुनीत मैं क्या खाऊँ, मैं आपने तो ले लिया, ये मैंने ले लिया क्रिकेट हेलमेट, मैं क्या खाऊँ, आपने तो अपना काम कर लिया मेरे। आप अगर वहाँ जाते तो गार्लिक ब्रेड थोड़ी सी मैं भी खा लेता, मैं क्या खाऊँ, मेरे को भूख लग रही है, मैं कल सब्वे ऑर्डर कर लूँगा वहाँ पे। गाड़ी मोड़ के वहीं ले जाएंगे, वहीं आपका न्यूटेला ये देखो गाइस, ये है पके, देखो जाए वेरी नाच मारता ये तो है गुनीत, सच्ची में है ना?
कि अब मैं जब सो जाऊंगी रात रात को आएंगे और मैं जब 3-4 दिन में खत्म। 3-4 दिन में और जो गार्लिक ब्रेड मेरी किसने चोरी की है वो बताओ। वो तो लाए थे ना मेरे। अच्छा लाए थे ना, रखी मैंने सो रहे थे, आप उठा मैं सुबह गायब, मैंने कहा कहाँ गई गार्लिक ब्रेड। ऐसे कहा इसकी चॉकलेट गायब कर देता हूँ मैं, ये मेरे चीजें गायब कर दे, दोनों हम दूसरे से लड़ते रहते हैं बस। पहनो एक बार, वो पहन के तो दिखा, पहनो जरा दिखाओ एक मिनट। मेरे कान क्या हुआ, नहीं पहनना, अच्छा लग रहा है बाबू, देखो स्मार्ट कितने लग रहे हैं शीशे में देखो। ये आ गया गुनीत का न्यूट्रेला विदाउट आइसक्रीम वॉफल। तो गाइस अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, देखो जरा मैं कितने बजे इसको ले, 2 बजे घर से निकला था, 3:40 हो गए हैं, बदतमीज जानवर वाली इंसान को, बस अब इसका ध्यान ही नहीं होगा कहीं, अब से न्यूट्रेला इससे पेट भर जाएगा। तो गाइस गुनीत को मैंने छोड़ दिया है, मायरा के घर पे जा रही है गुनीत, क्योंकि मम्मा गई हुई है फंक्शन पे, तो जाओ बाय बाय गुनीत, चलो बाय बाय। वैसे क्या चीज होते हैं ना गाइस, देखना जरा, मैं गाड़ी इतनी साफ थी जिसके आने से पहले, अब देखो जरा ये वॉफल का, ये इसका चिप्स का, ये टिश्यू, वो बैग, पूरे गाड़ी की ऐसी की तैसी कर देते हैं, बच्चे तूफान होते हैं, लेकिन इन बच्चों के बिना हमारा दिल भी नहीं लगता। एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए कहीं इनको छोड़ा हो ना तो घर में शांति ऐसे मच जाती है जैसे पता नहीं कौन सा तूफान घर से चला गया। रहे तो पंगा, ना रहे तो पंगा, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। पूरी गाड़ी में देखो कैसे खारा पे डाल के चली गई है बदतमीज जानवर वाली इंसान। तो मैं फटाफट निकलूँ, मेरे को भूख भी बहुत लग रही है, मैं सबवे से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, सबवे से ऑर्डर करता हूँ ताकि ऑफिस पहुँच जाए, मैं भी पहुँच जाऊँ ऑफिस, फिर खा खू के अपना जो काम हमने करना है फटाफट करें यार। 6 बजे से पहले क्लाइंट को भेजना है मुझे वो हेलमेट शेलमेट, ये जो हेलमेट अभी लिया ना इस पर लाइट्स वाइट लगा के आपको झलक दिखाऊंगा मैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है चलो चलते हैं यार ऑफिस, पहले ऑर्डर करूँ मैं सबवे से। हम तैयार होके सड़क पे चल रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, ये देखो पूरी अभी हम चल के जा रहे हैं, हमने गाड़ी दूसरे बैंक्वेट के आगे लगा दी है और हम पैदल अपने बैंक्वेट तक जा रहे हैं। आज दिल्ली खाली हो रही है क्या, पूरी सर्विस लेन भी पैक्ड है, हाय राम कैसे जा रहे हैं हम बैंक्वेट में, पता है हमें पूरे भीग गए, पूरा मेकअप वेकअप सब धुल गया, ये देखो हम पहुंच गए हैं पसीने में तर बतर, हमारी लैशेस ना हमारे चश्मे से लग रही हैं, इसलिए हमने चश्मे आगे किए हुए। गाइस ये देखो हमने ये विकेट्स बना दी हैं, लाइट जल रही है फुल, है वाली लाइट, है वाली, ये हमारी कॉस्ट्यूम्स है, विकेट बन गई हैं, अब हम इस हेलमेट पे लाइट लगाएंगे। तो जो क्रिएटिव मैन है ये है दीपक, जिसने बनाई है विकेट्स, एकदम खतरनाक बनाई है, मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ, बना दी इसने, ये वाला शो हमारा किसी चैनल पे भी आना है, पता नहीं कौन से चैनल पे आना है, स्टार पे, स्टार पे आना है, क्रिएटिव एक बंदा गया हुआ है जो अलग ही क्रिएटिव है। नहीं सर उसने भी करी है मेहनत, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो खुद ही पहले करके फिर खुद ही बोल देता, बड़ा तेज है, मतलब वो तो ज्यादा ही खतरनाक क्रिएटिव है ना सर। हाँ मेरे पहुंचते ही मेरा सबवे पहुंच गया, बड़ी तेज भूख लगी हुई थी यार, अब फटाफट मैं काम में लगता हूँ, उसके बाद बनाने के बाद सारी चीजें, हेलमेट बन रहा है अभी अंदर, हेलमेट में हमारे कारीगर लग गए हैं। ये कह रहा था लाया कि नहीं लाया भाई, ये व्हाइट कलर की बना दे, वो ग्रीन बना दे, है ना।
तो भाई मैं घर आ गया था, घर आने के बाद फटाफट मैंने चेंज किया, लोअर पहन लिया है, लोअर पहन के और मैं जा रहा हूँ जिम। और आप लोगों ने थोड़ी सी झलक देखी थी जो हमने अभी वहाँ पे करी थी, कैसा लगा कमेंट बताना। अभी तो ये थोड़ी सी झलक है, ये देखो ये मेरे पीछे पड़ गया, ये पापा मुझे देख के चलो, मुझे देख के चलो, अब मेरी बारी है। इधर बनू, इधर पारी कर दे, पारी मैं दोनों पारी कर लो, दोनों पारी कर लो। कुत्ते हो तुम, कुत्ते सारी जिंदगी कुत्ते ही रहोगे, तुम सारी जिंदगी कुत्ते ही रहेंगे। आप क्या कर रहे हो, मेहंदी मेरे से दूर रखो। नहीं नहीं मैं नहीं सूख रहा, पॉटी जैसी स्मेल आती है इसकी। आप वो खाओ जो खा रहे हो। सो गाइस मैं जा रहा हूँ जिम, तो अभी जा रहे हैं। हाल क्या बना रखा है घर का, इन दोनों को देखो जरा, क्या सुन रहा है बड़े ध्यान से। हाँ मैं ले आऊंगा आते हुए, ठीक है। अभी बहुत लेट हो, टिंकू तो पहले आए हैं बहुत देर से। वो पूरा हॉल खाली हो चुका है और हम अब जा रहे हैं क्योंकि हमने रील बना ली थी। हम आते हुए इतना लेट हो गए थे कि जाएंगे लेट जा रहे हैं, पर ही बहुत मजा आया। हाँ सीरियसली तो लेट है, सबको घर पे आके भी रील शुरू हो गई है। तू का भी पंजाबन जे तेन नचना नहीं आता, तू का भी पंजाबन तेरे कॉलेज को नॉलेज नहीं होगी डांस की। बनी उरी घूमना, ठीक है। तू का दी पंजाब जल्दी तैयार हो गया, रील बनानी फटाफट। हाँ जी तू का दी पंजाब ये तो नचना नहीं आता, दोनों डांस ही करते रहते हैं, मेरे आने पे इतना खुश हो जाते हो। सो गाइस अब हम बनाने रील, उसी रील के साथ इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम एंड कर रहे हैं। गुनीत आपका कैसा रहा आज स्कूल का डे, अच्छा लगा ना? पापा साथ हमने फुल मस्ती करी थी, पापा बेटी डेट पे होके आए थे, है ना? चलो फिर एक बार करो 1 2 3 ब्लॉग एंड करो। गुनीत मेकअप करने लगी है, अब हम रील बना रहे हैं। 1 2 3 एंड गुनीत शूट।